अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारे बकरे, आप देख सकते हैं। ये हमारे, हम बिजी थे इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। सो फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे और ये आप देख सकते हैं, ये मेरी लेफ्ट हैंड की मेहंदी है। और ये जो है, हमने नीचे वाली आंटी से लगवाई थी सबकी। और ये मेरे राइट हैंड की मेहंदी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जी रुबाब की मेहंदी। ये रुबाब के राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की मेहंदी, ये राइट हैंड की और ये लेफ्ट हैंड की है। और ये जन्नत के राइट हैंड की है, ये किड्स डिजाइन में है। और ये जन्नत के लेफ्ट हैंड की है, आप देख सकते हैं। और ये शाल के लेफ्ट हैंड की मेहंदी है और शाल के राइट हैंड में भी यही मेहंदी लगी हुई है। और अब मम्मा आपको देंगी कलेजी की रेसिपी, जो आप रोज ईद डे वन पे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे कलेजी, क्योंकि फर्स्ट डे तो कलेजी ही बनती है दोपहर के टाइम में। तो सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, मैंने लिए थे 2 अदद प्याज। और इसके अंदर मैंने अब लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, क्योंकि लहसुन मैंने ज़्यादा रखा है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कलेजी और उसको अच्छी तरह से भून लूंगी। और उसको तब तक भूनूंगी जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। और देखें उसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर, ये कुछ मेरे पास क्यूब्स पड़े थे पहले के। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर कटा हुआ, ये मैंने ऐड किए हैं 2 टमाटर। और क्यूब्स तकरीबन मेरे पास थे 2 टमाटर के करीब, इनके 4 टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरह भूनूंगी। इस तरह से ये होता है कि जो कलेजी की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिए हल्दी 2 टीस्पून और सूख मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 टीस्पून, क्योंकि आज सालन ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसमें सालन के हिसाब से जो है वो मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है इसलिए मैं इसमें 4 टीस्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है, वैसे आप इसमें 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ धनिया 3 से 4 टीस्पून। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको पानी डालकर गलने के लिए रख दूंगी। और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क के, कटी हुई अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ इसको गार्निश करूँगी। और ये देखें, ये है इसकी फाइनल लुक। और ये है हम सब की लुक, मेरी, रुबाब की और इशाल की। ये आप देख सकते हैं। और इशाल ने अपना नेकलेस तोड़ लिया था, सो अब ये मम्मा को देने जा रही है। मम्मा ने कहा था कि दे दो, आपने तोड़ लिया, अब और ज़्यादा तोड़ लोगी, इससे इसने मम्मा को दे दिया था। और माशाल्लाह से हम सब बहुत प्यारे लग रहे थे, यूसुफ, हमजा और जन्नत बहुत प्यारे लग रहे थे। जन्नत और इशाल जो है बहुत मस्ती में है। आज है ईद डे 2 और आज हम आए हैं अपनी नानों के घर।
आप देख सकते हैं ये इनके घर हैं, सारे इनके गैराज वगैरह हैं। और जहाँ पे मैं बैठी हुई थी उसके पीछे जो आपको जहाँ पे प्लांट्स नजर आए थे वो उनका गार्डन है। और ये विशाल यहाँ पे भी आके बहुत इन्जॉय कर रही है और हम सभी यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये हमारी नानो का रूम है। नानो को ग्रे कलर बहुत पसंद है, इसलिए वो अपने रूम में ग्रे, वाइट या ब्लैक कलर रखती हैं। इनका रूम माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और अब हम आए थे जी फ्राइड चिक्स पे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे और भूख भी बहुत लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया था तो सब यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।